स्वयंसेवक, स्वायत्त स्वयंसेवक संघ एवं अपना एक हिंदू समूह नगर में चलाते हैं। पहली बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो नए थाना प्रभारी जी आए हैं, जो गायों की समस्या सबसे बड़ी आती है, जिसमें वो अभी ये जहाँ तक है कि सहयोग करते हैं, जहाँ भी कोई मृत्यु होती है तो जेसीबी वगैरह व्यवस्था होती है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो घटना नगर में हो रही है या फिर आस पास में जो भी दुर्घटना होती है, ज्यादातर उसमें से 50% ये मान लीजिए कि गायों से टकरा के, अभी भी कुछ दिन पहले पुनेरे पे एक हमारे कानून को है, उनकी मृत्यु उसी वजह से हुई थी क्योंकि आपस में सांड लड़ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया उनका। तो सबसे पहली समस्या यही है कि गायों का निदान कैसे भी हो जाए तो नगर में भी शांति रहेगी, और यह है कि जितनी लगातार मृत्यु हो रही है गौवंशों की वो बंद हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि नगर में या फिर थाना क्षेत्र हमारा जो अवागढ़ पड़ता है या फिर आपके पूरे जिले में लगातार अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं, कच्चे मीट की, जो कि जिससे लगातार गंदगी होती है, वो जो है वो मानक पूरे नहीं कर पाते। सबको पता है, जिले में बैठे आपको भी पता है और जो भी अधीन अधिकारी हैं हमारे खास सुरक्षा विभाग के उनको भी पता है। किंतु ये है कि मैंने बहुत बार शिकायत की आईजीएस पोर्टल पे, यहाँ पे मैं थाने से भी एक बहुत बार हुई, किंतु ये है कि गलत निस्तारण हो जाता है हर चीज का आईजीएस पोर्टल पे, उस पर कोई लगातार वही रिपोर्ट लगा दी जाती है किंतु कोई कार्रवाई नहीं। और तीसरी बात यह है कि अतिक्रमण की बात कही किंतु सब लोगों ने एक चीज एक अतिक्रमण छोड़ दिया, ये यहाँ पे नगर में मंडी समिति पर मंडी समिति है बीच में, तो क्या है कि आप दुकान लगा सकते हैं तो अंदर मंडी समिति का जो पोर्शन बना वो वहां लगा सकते हैं, किंतु क्या हो रहा है कि बाहर चार दुकानें लग रही है बाहर, और उसके बाद एक डस्टबिन के बगल में एक ठेला लगा कर व्यक्ति खड़ा हो जाता है दबंगी से कि भाई मैं तो नहीं हटाऊंगा क्योंकि चार लोग वो लगा रहे हैं तो भाई वो भी लगाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो वो नगर की समस्या वो ना नगर पंचायत द्वारा हट पा रही है ना प्रशासन द्वारा हट पा रही है, तो उसपे भी आप थोड़ा विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मेन मार्केट है वहां से निकल के जाते हैं ये सब्जी मंडी जस्ट सामने सब्जी मंडी सॉरी सब्जी मंडी।